आज की ये कहानी देश के सभी युवाओं को जरूर देखनी चाहिए। आज की कहानी है एक दुखी बाप और एक बेटे की। तुम और मैं पति पत्नी थे, तुम माँ बन गई, मैं पिता रह गया। तुमने घर संभाला, मैंने कमाई, लेकिन तुम माँ के हाथ का खाना बन गई। मैं कमाने वाला पिता रह गया। बच्चों को चोट लगी और तुमने गले लगाया, मैंने समझाया, तुम ममता मई बन गई। मैं पिता रह गया, बच्चों ने गलतियां की और तुम पक्ष लेकर अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई। और मैं पापा नहीं समझते वाला पिता रह गया। पापा नाराज होंगे कहकर तुम बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई। और मैं गुस्सा करने वाला पिता रह गया। तुम्हारे आंसू में माँ का प्यार और मेरे छुपे हुए आंसू में मैं निष्ठुर पिता रह गया। तुम चंद्रमा की तरह शीतल बनती गई और पता नहीं कब मैं सूर्य की अग्नि सा पिता रह गया। तुम धरती माँ, भारत माँ और मदर नेचर बनती गई। मैं जीवन को प्रारंभ करने का दायित्व लिए सिर्फ एक पिता रह गया। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ 9 महीने पालती है, पिता 25 साल पालता है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ बिना तनख्वाह घर का सारा काम करती है, पिता पूरी कमाई घर पे लुटा देता है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ जो चाहते हो वो बनाती है, पिता जो चाहते हो वो ला कर देता है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ को याद करते हो जब चोट लगती है, पिता को याद करते हो जब जरूरत पड़ती है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। माँ की और बच्चों की अलमारी नए कपड़े से भरी है, पिता कई सालों तक पुराने कपड़े पहना करता है। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। पिता अपनी जरूरतें टालकर सबकी जरूरतें समय से पूरी करता है, किसी को उनकी जरूरतें टालने को नहीं कहता। फिर भी ना जाने क्यों पिता पीछे रह जाता है। जीवन भर दूसरों से आगे रहने की कोशिश करता है, मगर हमेशा परिवार के पीछे रहता है। शायद इसीलिए पिता की कुर्बानियों का पता ही जब चलता है जब हम खुद पिता बन जाएं। देखिए कैसे एक दुखी बेटा अपने पापा से क्या कहना चाहता है। पापा, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे। जब दिन भर की मेहनत के बाद कुछ हाथ ना आया हो तो खुद पैदल चल के किराए वाले पैसों से बच्चों के लिए कुछ लाया कैसे जाता है, मैंने सीखा है आपसे। सब अपनापन जताते हैं हमारे दर्द में आंसू बहा के या हमें गले से लगा के, पर एक मजबूत कंधा बन के अपने आंसुओं को छिपाया कैसे जाता है, मैंने सीखा है आपसे। जिस बेटे के पहली बार बोलने पर आपने मिठाई बांटी हो, वही बेटा बड़ा होकर आपकी बातें काट दे तो उसकी बात को हंस के कैसे टाला जाता है, मैंने सीखा है आपसे। जब सब कुछ बिखर गया हो, समेटने को कुछ भी ना हो, ऐसे वक्त में परिवार को कैसे संभाला जाता है, मैंने सीखा है आपसे। और अपने अरमानों का गला घोट के, अपने अरमानों का गला घोट के अपने बच्चों के सपनों को पाला कैसे जाता है, मैंने सीखा है आपसे। दोस्तों, माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं। उनकी भावनाओं को समझो और उनका हमेशा सम्मान करो।